कानपुर देहात के डेरापुर थाने में उस वक्त हड़कंप मच गया जब हतुमा गांव में एक युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। युवक के परिजनों का आरोप है कि वह जिस फार्म की देखरेख करता था उसी फार्म के मालिक और अन्य तीन लोगों ने मिलकर हत्या की है। जानकारी से पता चला है कि पप्पू निवासी ग्राम हटुबा का रहने वाला था और एक फार्म की देखरेख करता था, लेकिन बीती रात उसको पीट पीट कर कुछ अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी। इसके बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। उन्होंने आरोप लगाया है कि वह जिस फार्म कंपनी में काम करता था उसी के मालिक ने अपने करीबियों के साथ मिलकर उनके परिजन को मौत के घाट उतार दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने सब को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपियों के शिनाख्त में जुटी हुई है। पीट पीट कर बेरहमी से हत्या के बाद पूरे इलाके में डर और दहशत का माहौल है। हतुमा गांव में उस वक्त सनसनी फैल गई जब खबर आई कि उनके गांव के निवासी पप्पू की पीट पीट कर बेरहमी से हत्या हो गई है। आरोप है कि फार्म कंपनी में वह जहां देखरेख करता था उस कंपनी के मालिक ने षड्यंत्र के तहत कुछ साथियों के साथ मिलकर मौत के घाट उतार दिया। इंडियन टाइम न्यूज के लिए कानपुर देहात से जंग बहादुर सिंह की खास रिपोर्ट। जो घटना घटी थी वो कैसे घटना घटी थी? घटना ऐसे हमको मिली मालूम कि रात में 12 बजे करीब हमको सूचना मिली है कि आवाज ऊपर से छत से लगाई कि तुम्हारे यहाँ भाई को यहाँ मारा जा रहा है। कितने बजे आवाज लगाई? 12 बजे जी। और एक बाद जब हम लोग यहाँ आए हैं तो यहाँ जो ऐसे मरे धरे हमें लोग उनका मिले। अच्छा, आपने देखा था? हाँ, हम लोगों ने देखा। किस किस जगह चोट थी? सर में यहाँ सब फूटा था, ये सब पूरी एकदम आखी साखी सब निकली पड़ी थी, भेजा है सब पता अलग। जी जी, आप मृतक के कौन हैं? भाई हैं। अच्छा, तो आपके आपको किसी ऊपर संदेह? हमें तीन आदमी पे संदेह है साहब। सत्यम और शर्मन और पूरन चमार। कहाँ के हैं ये? हतुमई के हैं। कौन है ये? फार्म में एक मालिक हैं और दो लोग ये जो है इनके घरेलू हैं। जी, फार्म में लगभग कब से काम कर रहे थे? 2 साल हो गए सर। जी, कुछ लोगों को गिरफ्तार भी करके ले गई है। हाँ, तीन आदमी गए हैं। और वहीं कुछ लोगों को घर के परिजनों को डेड बॉडी देखने भी कोई भी नहीं मिली? हाँ, नहीं मिल पाई साहब। जबरदस्ती उठवा दी, जबरदस्ती एक मिनट भी नहीं रुकने दी। कहा था? हमने कहा साहब की मिट्टी अभी मन ले जाओ, लेकिन जबरदस्ती उठवा ली मिट्टी। अच्छा, जबरदस्ती उठवा के मिट्टी दरवाजा। नाम है आपका? सुनीता। क्या घटना हो गई आज? ये 9:30 बजे खाना खाना आए घर, फिर बोले हमने बोल लेट आज खाना खाना आए हो क्या कर रहे, तो बोले कि सत्ता मत हो ना ही वो कहीं नकलऊ गो है, कोनो को हाथ टूट गो ही है, तो कही ऐसे लेट हो गए, हमने ठीक रहो, हमने जल्दी आओ करो, हमने की तब तक पूरन आ गो। पूरन बोलो पप्पू पप्पू कही चाबी दे, सत्ता मंगा रहो। तो उनने हमने कही देखो पूरन आओ, हमने चाबी दे दो, तो इन्हने चाबी दी है, फिर चले आए खाना खा के, फिर ये 10 बजे आए हैं। इतने जल्दी सत्तम ने क्लोज लौट आओ। अच्छा, ये बताओ ये आपको जानकारी कैसे मिली घटना की? जानकारी हमारे जो लड़का है ओके में, सत्तम ने फोन करो रात में ड्यूटी में आतो, तो उनने हमारे फोन करो कि मम्मी कहीं चच्चू से बात कराओ जाए। मैंने कहा कि फार्म पे कहीं पापा का कुछ हुआ है, कहीं पता नहीं, कहा बात कराओ जाए। हमने बात कराई घर वालों से, तब पता चलो हमें क्या कोई पुरानी रंजिश वगैरह या हमारी कोई से दुश्मनी ना ही थी। सत्यम कौन है ये? सत्यम वो जगह फार्म है, वो लड़का है सत्यम। हाँ। क्या मानते हैं कि हत्या किस वजह से हुई? कोई हमें नहीं पता है, नहीं पता है यही हते सत्यम पूरा ने नाम से पूछ सका तो की क्या बात। अच्छा, डेड बॉडी आपको मिली थी या पुलिस ले गई थी? हम आए थे तब रखी थी, अब लोगों का भगा दो छुमन ना ही दो। किसने भगाया आपको? यही लोग गांव वालों ने, भगा दिया। पुलिस नहीं तो आती। अच्छा, तो गांव वालों ने आपको भगा दिया, आप पुलिस ने आपको डेड बॉडी बिना बताए ही ले गए। थाना डेरापुर के हथमा गांव के बाहर लगभग 500 मीटर की दूरी पर एक फार्म हाउस के अंदर एक पप्पू नाम के व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। ये हत्या सिर में चोट पहुंचा करके की गई है। पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी मुख्यालय रवाना कर दिया गया है। अब उसके परिजनों के द्वारा तहरीर दी गई है जिसमें 4 व्यक्तियों के विरुद्ध
नामजद FIR है, मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। पुलिस की विशेष टीमें लगाई गई हैं, इस संबंध में शीघ्र ही घटना का अनावरण करके और अन्य विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।